आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। छिंदवाड़ा जिले के चादामेटा थाना अंतर्गत सिहावनी चौक स्थित राजा बेकरी के सामने 14 वर्षीय बालक के अपहरण का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों की हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना गुरुवार देर रात तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। वारदात का खुलासा करते हुए SP विवेक अग्रवाल ने बताया कि बेकरी के मालिक महेश रंभारी ने पुलिस को सूचना दी थी कि अपहरण की जानकारी उन्हें उस वक्त हुई जब बच्चे के मां के मोबाइल में 25 लाख रुपए की फिरौती का फोन आया, जिसके बाद वह तत्काल शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे। परिवार के अनुसार बालक घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन वहां रात 11 बजे के बाद दिखाई नहीं दिया। काफ़ी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। उसी के बाद मोबाइल में फिरौती के लिए फ़ोन आया। पैसा न देने पर बालक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस को अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच के लिए कई टीमों को रवाना कर दी। बालक के पास मौजूद मोबाइल की लोकेशन के आधार पर साइबर सेल भी जांच में जुट गई। फोन के बाद बालक का मोबाइल बंद हो गया था। इसकी अंतिम लोकेशन भी ग्राम भमोड़ी में मिली थी। बस पुलिस यहीं से बदमाशों तक पहुंच गई और पूरी वारदात का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैन मार्किंग करते हुए उनकी पोस्टिंग की गई और उनकी वेयर अबाउट का पता लगाया गया। इसी बीच लगातार जब निरंतर टीमें रात में काम कर रही थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम ताहिर सामने आया, उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा कुछ सवालों के जवाब देने में जब वो हिचकिचाया और उससे कोई तरीके से जवाब नहीं दे पाया तो फर्दर पूछताछ में घटना का धीरे धीरे पटाक्षेप होना शुरू हुआ और इस तरह से पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को इस घटनाक्रम में गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इस प्रकार से एक जो ये बड़ी संवेदनशील सनसनीखेज घटना थाना चांदामेटा क्षेत्र में कल रात में घटित हुई थी, वो सुबह भोर होते होते अब सुबह तक आरोपियों को गिरफ्तार करने और बच्चे को सकुशल सुरक्षित प्राप्त करने में पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली।